जी नाज़रीन, आज के छोटा अमल अजीम सवाब में हम आपके साथ जो सूरा की फजीलत शेयर करेंगे कुरान पाक की, वो है सूरह नस्र। हम ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारे बेशुमार दुश्मन होते हैं, कोई छुपे हुए होते हैं, कोई ज़ाहिर होते हैं, कोई दोस्त की सूरत में होते हैं, कभी रिश्तेदार होते हैं। हमें पता नहीं होता कि अगला दुश्मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है और किस तरह से हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा। तो सूरह नस्र उसमें बेहतरीन हल है कि किस तरह से हम अपने दुश्मन पर, उनकी चालबाजी पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो वाजिब या मुस्तहिब नमाज में सूरह नस्र की तिलावत करेगा तो खुदावंद मुताल उसे तमाम दुश्मनों पर कामयाबी अता फरमाएगा। आपने फ़क़त क्या करना है, सूरह नस्र की तिलावत करनी है वाजिब या मुस्तहिब नमाज में, और फिर आप देखिएगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आमिलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पीर फ़कीरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दुश्मन है, फ़लाँ है, धमाका है, ये है, वो है, ये नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो नहीं। आप फ़क़त सूरह नस्र की तिलावत कीजिए अपनी वाजिब नमाजों में, अपनी मुस्तहिब नमाजों में, और फिर इस सूरह का असर देखिए। और रहमतुल आलमीन सरकारे दोशा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज में सूरह अलहम्द के बाद सूरह नस्र की तिलावत करेगा तो उसकी नमाज कबूल होगी, बल्कि अहसन कबूल होगी। अल्लाहु अकबर। देखें पहली हदीस, इमाम जाफर सादिक ने कहा कि वाजिब मुस्तहिब नमाज में सूरह नस्र की तिलावत करें। यहां रहमतुल आलमीन भी फरमा रहे हैं कि अगर आप नमाज में अलहम्द के बाद सूरह नस्र की तिलावत करेंगे तो आपकी नमाज भी कबूल होगी, और ना सिर्फ आप दुश्मनों से बचेंगे और दुश्मनों के चालों से बचेंगे, हसद से बचेंगे, जादू टोने से बचेंगे, बल्कि आपकी नमाज भी कबूल होगी। और ये एक बेहतरीन अमान नामा है हमारे लिए। किस तरह से, कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसका कारी जब कयामत वाले दिन आएगा तो उसके साथ बोलने वाली किताब होगी, और जब अल्लाह उसे कब्र से बाहर निकालेगा तो उसमें जहन्नम के पुल, जहन्नम की आग और जहन्नम की खौफनाक आवाज़ों का अमान नामा मौजूद होगा। यानी कि आप जहन्नम की हर बला से महफूज रहेंगे, और जिस चीज़ से भी उसकी मुलाकात होगी वो उसे खैर और भलाई की खुशखबरी देगा, उसे जन्नत में दाखिल होने की खबर देगा, और दुनिया में अस्बाब खैर के इतने दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे कि उसने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। एक फ़क़त सूरह नस्र की तिलावत अपनी ज़िंदगियों में अगर हम करें, हम अपने दुश्मनों पे गलबा पाएंगे, हम जहन्नम के हर किस्म की आग, मुसीबत, खौफनाक आवाज़ों से बच जाएंगे, और हम जन्नत में दाखिल होंगे, और दुनिया में असबाब खैर यानी कि हमारी जितने भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, हल होती चली जाएंगी। फ़क़त मुश्किल से 30 सेकेंड, और बहुत आराम से पढ़ें तो 1 मिनट लगता है सूरह नस्र की तिलावत करने में। आइए नाज़रीन, आज के बाद से सूरह नस्र की तिलावत करेंगे, वाजिब और मुस्तहिब नमाज में भी करेंगे, और अपनी जिंदगी में आम रूटीन में भी सुबह से शाम में जब वक्त मिलेगा सूरह नस्र की तिलावत करेंगे। वो फातिमा है, वो फातिमा है।